नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में कई ऐसे कला है जो कि धीरे धीरे विलुप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। यूं मानिए कि अब विलुप्त ही हो गया है। हम आपको बता दें कि कई ऐसे कलाकार भी हैं जो इस कला का चयन ही नहीं करते हैं और अपना दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। यूं समझिए कि अपने कला को वो संजो कर आगे लेकर नहीं जा पाते हैं। पहले ऐसा होता था कि लोग जो कलाकार हैं वो मनोरंजन कराने के लिए बाजार में बहुरूपिया बनकर लोगों का मनोरंजन करते थे, त्योहारों में मनोरंजन करते थे, जिसके एवज में उन्हें राहगीरों की तरफ से कुछ पैसे मिलते थे और उस पैसे से ही उनका गुजारा जो है वो चलता था, उनका घर परिवार चलता था। लेकिन अब बिहार में ये स्थिति हो गई है, या फिर बिहार के कई राज्यों में भी ये स्थिति है कि कुछ कुछ ऐसे कला है जो कि अब विलुप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं या बहुत मुश्किल से वो चीज़ जो है वो संस्कृति जो है वो देखने को मिलती है। इसी बीच हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से एक वीडियो सामने आ रहा है जहां पर एक बहुरूपिया जो है अपने पूर्वजों की जो धरोहर है, पूर्वजों की जो परंपरा है, उसको संजो कर आगे बढ़ रहा है और उस एवज में वो राहगीर से कुछ पैसे लेते हैं, राहगीर उन्हें पैसे देते हैं और उससे ही उनका घर चलता है। हम आपको बता दें कि ये जो बहुरूपिया है, इन्होंने साफ तौर से खुद ही बताया है कि ये इनका पूर्वजों का परंपरा है जो कि ये इसे आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों का मनोरंजन करना ही हमारा काम है और बहुरूपिया कला को हम आगे ले जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज भी यही करते थे, जिससे कि हमारा घर परिवार चलता था। इसी के साथ आप जरा इस वीडियो में देखें किस तरीके से ये जो बहुरूपिया है वो अपना पूरा पीके का रूप जो है वो धारण कर रखा है और लोगों का मनोरंजन कर रहा है। उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है, आप जरा सुनिए और देखिए उनके इस नए अवतार को। पीली चमड़ी किसी की, लाल चमड़ी किसी की, हर चमड़ी भैया को चमड़ी अमड़ी ना ही रही, वो तो कोनो वस्तु नाम का कपड़ा रहा। हम पीके वीके नहीं भैया, वो तो हमें ऐसे लोग पीके पीके बुलावती। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम मुजफ्फरपुर से हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ खुटौना में? हम लोग कलाकार बहुरूपिया हर साल आते हैं यहाँ पर। हमारे बाप दादा पहले आते थे, एक जमाने से चले आते हैं यहाँ पर। अच्छा, वो बाप दादा का जो ये है बनाए हुए आप? हाँ, आप ऐसे ही मनोरंजन करते हैं लोगों को। कल का कौन रूप है आज? आज तो पीके का रूप होगा, नारद जी का दृश्य होगा। अच्छा ठीक है, आप बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। और आप और एक कोई कोटेशन बोल सकते हैं तो बोलिए। ना कोई अपना है ना कोई पराया है, हर तरफ बेवसी का साया है, भूख से चकरा कर के गिर गया हूँ मैं। भैया कहते हैं पीके आया, भैया हम दोनों पीके वीके नहीं, तो हम ऐसे लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना और देखा भी कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर का रहने वाला ये जो बहुरूपिया है ये बता रहा है कि या ये इसका काम है, इसकी कला है और इसे ये पेशे के रूप में आगे लेकर जाना चाहता है क्योंकि इसके पूर्वज भी यही करते थे और उसकी परंपरा को ये आगे लेकर जा रहा है। इसका काम ही है लोगों का मनोरंजन करना और इससे इनका घर परिवार चलता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि बहुरूपिया का जिस तरीके से इन्होंने रूप धारण कर लिया है, समय के साथ साथ इनका ये रूप जो है वो बदलता रहता है। कुछ लोगों ने उनसे पूछा भी कि अगला आपका कौन सा रूप होगा, तो इन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगला रूप हमारा नारद मुनि होगा। कभी ये शिव के अवतार में दिखते हैं तो कभी ये अभिनेता बन जाते हैं। अलग अलग रूप धारण करके ये जो बहुरूपिया है लोगों का मनोरंजन करते हैं और लोगों को इंटरटेन करते हैं और उसके बदले में इन्हें राहगीरों से, लोगों से पैसे मिलते हैं और उनका घर परिवार। साथ ही साथ इस बहुरूपिया ने ये भी बताया है कि जिस तरीके से ये अलग अलग रूप धारण करते हैं इनका डायलॉग भी अलग अलग बदलता चला जाता है। जिसी के साथ आपने इस वीडियो में भी देखा कि उन्होंने पीके का डायलॉग मारा है और आगे वो अगर कोई नया रूप धारण करते हैं तो आगे उनका डायलॉग जो है वो बदल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं अभी कि अपनी धरोहर पूर्वजों की जो परंपरा को आगे लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अपनी कला का चयन करना ही छोड़ दिए हैं, उन्होंने अपना दूसरा रास्ता अपना लिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।